नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग केमिकल इन्फॉर्मेशन बुक के रिलेटेड मुझे संपर्क करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बुक जो होती है तो नॉर्मली पीडीएफ फॉर्म में होती है और कई बार लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई पीडीएफ अगर डिलीट हो गया तो क्या होगा, अगर उसका प्रिंट आउट नहीं निकला तो क्या होगा। तो भाई इस चीज़ को मैंने कम्प्लीटली अपग्रेड किया हुआ है और पहले जो मेरी केमिकल इन्फॉर्मेशन बुक थी उसमें करीब 26 से 30 तक के केमिकल के डिटेल्स दिखे हुए थे। अब मैंने एक चीज़ बनाई हुई है, वो है एंड्रॉयड एपी के। नॉर्मली जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है इसके अंदर जो सारे एप्लीकेशन होते हैं उसी के जैसा ही एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिसके अंदर करीब 50 से भी ज़्यादा केमिकल के बारे में पूरा विस्तार से डिटेल लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, जो भी हमारे मित्र जो केमिकल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, केमिकल के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, जब वो इस एप्लीकेशन को परचेस करेंगे तो एप्लीकेशन से आप जैसे लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको केमिकल का नाम लिखना है और केमिकल का नाम लिखने पे जैसे ही आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है पहले मैं इसका आपको एक छोटा सा डेमो बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप इस एप्लीकेशन को कैसे परचेस कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन सीधा आपके फ़ोन में ही आप सेव करेंगे और जब भी आप चाहेंगे, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जैसे फेसबुक हो गया या कोई भी यूट्यूब हो गया या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसी प्रकार से आप सीधा इसको ओपन करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आपको किसी भी केमिकल के बारे में जानना है, आपको लगता है भाई आपके पास कोई फॉर्मुलेशन आया है उस फॉर्मुलेशन में कोई केमिकल का नाम लिखा है और ये केमिकल का क्या काम होता है ये आपको जानना है, सीधा आपको एप्लीकेशन लॉगिन करना है और केमिकल का नाम टाइप करना है, आपको पूरी जानकारी उस केमिकल की मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई भी केमिकल ऐसा है जिसकी जानकारी उसमें नहीं है तो आपको सीधा मुझे बता देना है, मैं उसकी जानकारी भी उसके अंदर ऐड कर दूंगा। मैं आपको पहले छोटा सा डेमो बता देता हूँ ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जब आप इस एप्लीकेशन को परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप रिलीज एपीके करके आपको मैं एपीके दूंगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और जैसे डाउनलोड करेंगे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉलर दिखेगा, आपको पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये कुछ समय लेगा, अगर आपने आपका व्हाट्सएप पे पहले कभी आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको कुछ सेटिंग मांगेगा, आपको सेटिंग अलाउ कर देना है जिससे कि आपका व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको ओपन पे क्लिक करना है। आपको जैसे ओपन पे क्लिक करोगे ये आपका इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी इंटरफेस में आपको दो चीजें ऐड करनी है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे फटाक से ईमेल आईडी एक ईमेल, जब भी आप एप्लीकेशन को परचेस करेंगे मैं आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड दूंगा जिसके माध्यम से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ कि ये इंटरफेस कैसा शो होता है। तो अभी हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब ये इंटरफेस पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च केमिकल शो हो रहा होगा, सर्च केमिकल पे आपको क्लिक करना है और आपको जो भी केमिकल का आपको डिटेल चाहिए उसका आप फर्स्ट लेटर डाल दीजिए। जैसे अगर हम सर्च करते हैं एसिड स्लरी तो हम ए लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एसिड स्लरी दिखेगा और साइट्रिक एसिड दिखेगा क्योंकि साइट्रिक एसिड में भी ए आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली एसिड स्लरी पे क्लिक करेंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूरा एसिड स्लरी के बारे में जानकारी मिल जाएगा और अगर आपको इसको लिसन करना है, आपको इसको सुनना है तो यहाँ पे स्पीच बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे स्पीच बटन पे क्लिक करेंगे ये पूरा डिटेल आपको ऑडियो सुनाई देगा। एसिड स्लरी एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, विशेष रूप से डिटर्जेंट और क्लीनिंग उत्पाद। और स्पीच बटन पे वापस क्लिक करने पे ये ऑडियो बोलना बंद कर देगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा कोई केमिकल सर्च करना है, जैसे अगर हम सर्च करते हैं CAPB तो यहाँ पे आप CAPB को लिखेंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको CAPB की डिटेल्स पूरी शो हो जाएगी। और अगर आपको फिर इसको लॉग आउट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करना है, आपका ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब भी आपको लॉग इन करना है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया हुआ है ये किस प्रकार से वर्क करता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। आप लोगों को ना कोई पीडीएफ संभालनी है, ना कोई पेपर में आपको संभालना है, ना कोई प्रिंटआउट निकालनी है, बस एक क्लिक आपके एप्लीकेशन आपका फ़ोन में एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और जिस भी केमिकल की आपको डिटेल देखनी है आपको सिर्फ उसका नाम देखना है, ऐड करना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है, आपको पूरा डिटेल्स का शो हो जाएगा। और अगर आपको उस डिटेल्स को सुनना है तो स्पीच पे क्लिक करके आप उसको सुन सकते हो।
और इस एप्लीकेशन में मैंने अभी तक में कितने केमिकल को ऐड किया है इसकी पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप सभी के नाम चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको परचेस कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लूँ, तो इसको परचेस करने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क करना है और इसकी प्राइस मैं आपको स्कैनर दूंगा, उसमें आपको पे करनी है। जैसे आपकी प्राइस पे हो जाएगी आपको एपीके तुरंत मिल जाएगा और एपीके के साथ आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। और अभी इसको परचेस करने का मैं आपको एक बेनिफिट भी बता देता हूँ, आने वाले कुछ समय में मैं इसमें थोड़ा सा अपग्रेड और करने वाला हूँ, इसमें कुछ लैंग्वेज वगैरह मैं ऐड करने वाला हूँ जिससे कि हमारे देश के सभी लोग अलग अलग भाषा में अपनी मातृभाषा में भी इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सके, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो लोग अभी इसको परचेस करेंगे उनको वो अपग्रेड वर्जन में कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, बाकी अपग्रेड वर्जन जब ओके आएगा तब उसमें कुछ चार्जेस प्लस हो जाएंगे, तो तभी उनको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो जिनको भी केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक स्रोत की ज़रूरत है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन को परचेस करके आपके फ़ोन में सीधा इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको परचेस करने का भी मैंने बता दिया, ऑपरेट करने का भी बता दिया और परचेस करने की प्राइस जब आप मुझे मैसेज करेंगे तब मैं बता दूंगा। इसका रीज़न ये है, मैं वीडियो में इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी समय तक यूट्यूब पे रहता है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने जब फॉर्मूलेशन बुक को जब मैंने लॉन्च किया था, ठीक है, उस समय मैंने फॉर्मूलेशन बुक की प्राइस को 300 रुपीज़ रखा था जिसमें कुछ 26 फॉर्मूलेशन थे। और उसके बाद मैंने फॉर्मूलेशन बुक को भी मैंने काफ़ी अपग्रेड किया, उसमें नए नए फॉर्मूलेशन को ऐड किया और अभी उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो प्रेजेंट टाइम में भी कई लोग उस वीडियो को देख के भी मुझे संपर्क करते और कहते कि यार आपने 300 रुपये रखे हुए हैं जबकि प्रेजेंट टाइम में अपग्रेड हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि आज ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये काफ़ी समय के बाद भी अगर कोई देखे और इस वीडियो में मैं प्राइस बताऊँ तो उनको लगेगा भाई यही प्राइस है जबकि वीडियो की डेट नहीं होगी। तो भाई जब संपर्क होगा तब की प्राइस तब डिसाइड होगी, फिलहाल के लिए जो भी इसकी प्राइस रहेगी मैं आपको जब आप मुझे संपर्क करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप मुझे पे करके इस एप्लीकेशन को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मुझे संपर्क करना है दिए हुए नंबर पे। और जितने भी केमिकल इसमें ऐड होंगे उसकी तो लिस्ट मैंने दी हुई है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई केमिकल है जिसकी लिस्ट मैंने नहीं अपलोड की है, जो केमिकल मैंने एप्लीकेशन में अपलोड नहीं किया है वो भी आप मुझे बताएंगे, उसके बारे में भी डिटेल अपलोड हो जाएगी। मतलब ये पूरी तरीके से छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। फिलहाल तो 50 से भी ज़्यादा केमिकल अपलोड हो चुके हैं, इसके अलावा भी और भी केमिकल अपलोड होंगे तो जिसका आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सिर्फ वन टाइम आपको पे करना है। तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो और आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाना सीखना हो तो मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।